हेलो दोस्तों, कनेक्ट टू जाम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं शिवाकांत आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स में आपका वेव चैप्टर चल रहा है। वेव चैप्टर चल रहा है जिसके अंतर्गत आज आपकी तीसरी क्लास है। आप लोग अगर हमारी अगर पहली और दूसरी क्लास न देखे हो, आप लोग पहली और दूसरी क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने पहली और दूसरी क्लास में इन वेव के फैक्ट के बारे में बताए हैं। तरंग क्या चीज है, तरंग कैसे काम करता है, तरंग क्या है। तो उसी क्रम में हम आज आपकी तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में हम अभी तक जो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और आपका जेई एएलपी में अभी तक जितने क्वेश्चन आए, उन क्वेश्चन के बारे में हम आपको आए और क्वेश्चन के बारे में बताते हुए कैसे क्या सही है, यह सब आप लोग जरूर देखिए। तो वेव क्या है, वेव आपको हम पहले भी बता चुके हैं, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो इसी क्रम में हम आज आपकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और इसके पहले कुछ सवाल हम आप लोग को बता दिए हैं, अब कुछ और क्वेश्चन है आप लोग को हम बताने का काम करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आज यहाँ से स्टार्ट होता है। किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति होगी। तो दोस्तों, आप लोग तरंग चैप्टर में चार मुख्य शब्द हैं, कौन कौन से हैं? एक तरंग दैर्ध्य है, एक आवृत्ति है और एक वेग है, एक आयाम है। ये चार तरंग शब्द, चार मतलब तरंग की मतलब विशेषताएं हैं। तो इसी क्रम में आज आपका ये विशेषता पूछा जा रहा है, आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है आप लोग ध्यान दीजिएगा। आवृत्ति n बराबर होता है 1/T। 1/T का मतलब एक सेकंड, मतलब एक सेकंड कंपन की जो दर होती है वह आपकी क्या होती है, आवृत्ति होती है। तो यहाँ देखिए कितना कंपन हो रहा है, 40 कंपन पूर्ण करता है। मतलब मान लेते हैं कोई एक तरंग, आप लोग जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक यांत्रिक तरंग है और दूसरा आपका विद्युत चुंबकीय तरंग। जो यांत्रिक तरंग होता है यह भी दो प्रकार का होता है, एक अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग। तो यहाँ आपको हम अनुप्रस्थ तरंग के बारे में बताते हैं। अनुप्रस्थ तरंग वे तरंगे होती है जब तरंग आगे की ओर चलती है तो माध्यम के कण क्या होते हैं, लंबवत गति करते हैं, मतलब ऊपर और नीचे गति करते हैं, ऊपर और नीचे। तो ये जो अप डाउन होता है, जब ऊपर की तरफ अप डाउन होता है तो इसे श्रृंग बोला जाता है और जो नीचे की तरफ डाउन होता है उसे गर्त बोला जाता है। तो इन इन श्रृंगों ऊपर की तरफ, ये भी आपका श्रृंग हो जाएगा, इन श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। इन गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब यह क्या कर रही है, जो यह कंपन हो रहा है, कंपन एक बार ऊपर की तरफ हो रहा है, एक बार नीचे की तरफ हो रहा है। जब कंपन पूरा एक कंप्लीट कंपन होता है तो वह 40 कंपन पूर्ण करता है। कितना कंपन पूर्ण करता है, 40 कंपन पूर्ण करता है। मतलब कि यन का मान कितना, यन जो है कंपन कितना हो रहा है आपका, कंपन आपका हो रहा है 40 कंपन हो रहा है। तो जो आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति n बराबर 1/T। अगर पूछा जाए एक एक मतलब एक कंपन होने में कितना समय लग रहा है, t समय लग रहा है, एक कंपन होने में कितना समय लग रहा है, t समय लग रहा है, तो 40 कंपन होने में मतलब इसका आवृत्ति कितना होगा, 40 कंपन होने में आपका 2.5 सेकंड लग रहा है। 40 कंपन होने में आपका 2.5 सेकंड लग रहा है, तो यही आपकी अब कितनी आवृत्ति होगी यह पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो n बराबर होगा, यहाँ एक कंपन में कितना समय लग रहा है, तो अभी तो 40 कंपन का समय दिया गया है। t बराबर, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ टाइम कितना दिया गया है, 2.5 सेकंड दिया गया है। तो इस फार्मूले के माध्यम से हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो कंपन कितना हो रहा है, 40 कंपन हो रहा है, टाइम कितना लग रहा है, 2.5 सेकंड लग रहा है। अभी हम इसको जब हल करेंगे तो आपका यहाँ दशमलव है तो यहाँ शून्य हो जाएगा, तो 25 चौका 100 मतलब 4 चौक 16, जो n आएगा आपका कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 हर्ज आ जाएगा। तो जो आवृत्ति होती है हमेशा हर्ज, इसका मात्रक क्या होता है, हर्ज होता है। हर्ज क्यों रखा गया, कि हर्ज नामक एक वैज्ञानिक ने उन्हीं के नाम ये आवृत्ति की खोज की, उन्हीं के नाम पर क्या किया गया, इसका मात्रक हर्ज रखा गया। तो आपका 16 हर्ज ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, तो ए ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो देखिए इस फार्मूले के माध्यम से हम कितने अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर लिए। आप लोगों को अगर फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से एग्जाम में भी बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है। देखिए जो तरंग चैप्टर है, तरंग चैप्टर में
कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। पहला आयाम, दूसरा आवृत्ति, तीसरा तरंग दैर्ध्य, चौथा आपका होगा तरंग चाल। तरंग चाल यह क्या है? तरंग की विशेषता है। तो इस विशेषता को आप लोग जरूर ध्यान दीजिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहां देखिए विशेषता का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, सभी को कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया तरंग के रासायनिक गुण है, ऑप्शन बी में तरंग की विशेषताएं हैं, ऑप्शन सी में तरंग के घटक हैं, ऑप्शन डी में तरंग के कार्य हैं। जो यहाँ इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ आपका ऑप्शन बी सही होगा। तरंग की क्या है विशेषताएं हैं, यह तरंग की क्या है, यह चारों क्या है तरंग की विशेषताएं हैं, यह सब क्या है विशेषताएं। तो विशेषताएं से आप क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, आपको याद हो जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, तरंग का आयाम होता है। तरंग का आयाम क्या होता है? आयाम क्या है? तरंग की एक विशेषता है। तो ऑप्शन ए में देखिए, तरंग की एक समयावधि में तरंग द्वारा तय की गई दूरी। ऑप्शन बी में देखिए, माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी। ऑप्शन सी में देखिए, एक सेकेंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी। ऑप्शन डी में देखिए, एक तरंग की लंबाई के बराबर दूरी। तो यहाँ जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान से किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी। कितनी दूरी? अधिकतम जितनी दूरी तय करेगी माध्यम के कण, वो आपका तरंग का आयाम होगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ आयाम को आप लोग फिगर के माध्यम से एक बार समझ लिए, इसका कैसा फिगर बनता है। ये एक हम फिगर बनाते हैं, आपका अनुप्रस्थ तरंग का फिगर है। अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है, जब माध्यम के कण आगे की तरफ जाते हैं तो जो आपकी तरंग जब आगे की तरफ जाते हैं तो माध्यम के कण क्या होते हैं, अप नीचे अप डाउन करते हैं, मतलब लंबवत गति करते हैं। तो ये जो लंबवत गति माध्यम के कण करते हैं, तरंग और जो माध्यम के कण के मैक्सिमम दूरी को क्या ही बोला जाता है, आयाम बोला जाता है। तरंग और जो माध्यम के कण कितने मैक्सिमम दूरी तक तय किए, इनके मध्य स्थान को क्या बोलता है, अधिकतम दूरी को, यह क्या है आपका आयाम है, यह आपका क्या है आयाम है। और एक तरंग की लंबाई के बराबर दूरी, एक सेकंड तरंग की गई दूरी, और एक तरंग के समयावधि तरंग की दूरी, यह सब अलग चीजें हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आप लोग समझिएगा क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिखर और 40 गर्त बनते हैं, तो तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ तरंग की आवृत्ति क्या पूछा जा रहा है, एन पूछा जा रहा है। अब तरंग की आवृत्ति क्या होती है, एक सेकंड में कितना वह कंपन करती है, वह आपकी क्या होती है आवृत्ति। तो एन बराबर क्या होता है, 1/T, मतलब यहाँ यह इसका यह मतलब है कि वह एक से एक कंपन करने में वह टी समय लेती है, तो वह 40 शिखर और 40 गर्त गर्ता है। तो आप लोग यहाँ समझिए, फिगर के माध्यम से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए, यह आपका क्या है अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ आपका फिगर, अनुप्रस्थ तरंग आपका अनुप्रस्थ तरंग का फिगर है। तो यह क्या होता है, ऊपर वाला आपका होता है श्रृंग ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ क्या होता है आपका गर्त, नीचे की तरफ होता है आपका गर्त। अब यह 40 मतलब यह 40 शिखर ऊपर है और 40 गर्त नीचे है, 40 गर्त शिखर मतलब ऊपर, 40 गर्त आपका नीचे बन रहा है। तो टोटल अगर यहाँ कंपन किया गया तो 40 कंपन किया गया। अगर पूछा जाए कितना कंपन हुए, एक कंप्लीट कंपन कितना है 40। कंपन तभी पूर्ण मानी जाती है जब ऊपर और नीचे एक मतलब यह एक पूर्ण कंपन होता है, जो आपका जो श्रृंग और गर्त है जब दोनों एक साथ होते हैं वह आपका पूर्ण कंपन माना जाता है। तो यहाँ कंपन की संख्या कितनी है, 40 है, और कितने समय में किया जा रहा है, 0.3 सेकंड में किया जा रहा है। तो यन का मान पूछा जा रहा है, तो यन बराबर क्या होगा, तो आपका 40 कंपन हो रहा है, 40 कंपन होने में कितना समय लग रहा है, 0.3 सेकंड लग रहा है। तो आप लोग इसको हल करेंगे तो 40 ऊपर हो जाएगा, जीरो हट के ऊपर हो जाए तो नीचे 3 बचेगा। आप लोग इसको हल करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, ऐसे ऐसे ही होता चला जाएगा, मतलब 133.33 133.33 हर्ट्ज इसका आंसर होगा। तो 133.33 आवृत्ति
कौन से इस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा, 133.33 हर्ट्ज इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए कितना सरल क्वेश्चन है, या एग्जाम में साउंड से एक क्वेश्चन आपको एएलपी या ग्रुप डी किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप लोग को इतना कंठस्थ हो जाना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन हल कर सकें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, आवृत्ति डॉट डॉट में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है। तो दोस्तों आवृत्ति होती है, आवृत्ति का यहाँ पे मात्रक पूछा जा रहा है, यहाँ क्या प्रकट करती है, यहाँ हर्ज में प्रकट की जाती है। जो आवृत्ति आपकी होती है वह हर्ज में प्रकट की जाती है। आवृत्ति आपकी किसमें प्रकट की जाती है, हर्ज में प्रकट की जाती है। और इसका ऑप्शन में हर्ज कहाँ दिख रहा है, ए में ओम दिख रहा है, बी में डेसिबल, सी में एम्पियर, डी में हर्ट्ज, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। जो आवृत्ति है हर्ज में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। यह दोस्तों आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। देखिए दोस्तों तरंग दो प्रकार की होती है, एक यांत्रिक तरंग और दूसरा आपका विद्युत चुंबकीय तरंग। और यांत्रिक तरंग क्या होती है, यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम के साथ साथ निर्वात में भी गमन करती है। और जो यांत्रिक तरंगें होती हैं वह दो प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं यह ठोस और द्रव के ऊपरी सतह में गमन करती हैं, जो अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं यह ठोस और द्रव तीनों में गमन करती हैं। और जो ध्वनि है, ध्वनि आपका क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है। और प्रकाश आपका क्या होता है, एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो यहाँ किसके बारे में पूछा जा रहा है, ध्वनि के बारे में पूछा जा रहा है। तो ध्वनि कैसा तरंग है, आप लोगों का ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जब तरंग आगे की तरफ बढ़ती हैं तो जो माध्यम के कण होते हैं वह समांतर गति करते हैं। जब समांतर गति करते हैं तो वहां पे कभी कभी ध्वनि क्या होती है, जब आप लोग ध्वनि सुनते हैं, ध्वनि कभी कभी तेज सुनाई देता है, कभी कभी कम सुनाई देता है। ध्वनि कभी कभी क्या होता है, तेज सुनाई देता है, मतलब जो कण होते हैं कभी कभी, मतलब जो माध्यम के जो कण हैं कभी कभी एकदम सटे हुए होते हैं, कभी 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 दूर फैले होते हैं। तो यहाँ जो सटे हुए होते हैं यहाँ पे कणों की क्या होती है, उच्च घनत्व होता है। यहाँ पर कणों की क्या होती है, उच्च घनत्व होता है, उच्च घनत्व होता है। यहाँ पे कणों की उच्च घनत्व होता है और यहाँ पे कणों की क्या होती है, निम्न घनत्व होता है, निम्न घनत्व होता है। तो जो यहाँ उच्च घनत्व होता है यह आपका कहलाता है संपीड़न। जहाँ उच्च घनत्व होता है वह आपका कहलाता है संपीड़न होता है, और जहाँ निम्न घनत्व होता है यह आपका कहलाता है विरलन। यह आपका क्या कहलाता है, विरलन। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, उच्च घनत्व पूछा जा रहा है। उच्च घनत्व का क्षेत्र कौन सा होता है, अभी हम आप लोग को बता दिए कि जो उच्च घनत्व का क्षेत्र होता है वह आपका संपीड़न होता है, जो निम्न घनत्व का क्षेत्र होता है वह आपका विरलन होता है। तो यहाँ कैसा पूछा जा रहा है, उच्च घनत्व पूछा जा रहा है, तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही होगा, संपीड़न। जो उच्च घनत्व होता है हमेशा संपीड़न होता है, निम्न घनत्व जो होता है विरलन होता है। और यह ध्वनि कैसी तरंग है, ध्वनि आपका अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग। तो हमें विश्वास है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लिए हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी यल है तो तरंग दैर्ध्य होगी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त, तो तरंग दैर्ध्य पूछा जा रहा है। तो आप लोग को हम फिगर के माध्यम से इस क्वेश्चन को समझाते हैं। देखिए ये कैसी तरंग, यह कैसा तरंग है, यह आपका अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जब तरंग आगे की ओर चलते हैं और जो माध्यम के कण होते हैं ऊपर नीचे गति करते हैं। तो यह ऊपर वाला आपका
कहा जाता है श्रृंग और नीचे का कहा जाता है आपका गर्त। या आपका क्या है? श्रृंग और नीचे का गर्त। और दो श्रृंगों के बीच की दूरी को अनु तरंग दैर्ध्य कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या क्या कहा जाता है? तरंग दैर्ध्य कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी क्या होती है? एल होती है, तो उनको तरंग दैर्ध्य होगी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आपका एक क्रमागत, हेलो दोस्तों, तो आज अब इस क्वेश्चन को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी एल है, तो तरंग दैर्ध्य होगी। तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा पूछा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह आपका क्या है? अनुप्रस्थ तरंग का फिगर है, यह आपका ऊपर की तरफ आपका होता है श्रृंग और नीचे की तरफ आपका होता है गर्त, नीचे की तरफ आपका होता है गर्त। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, दो श्रृंगों ऊपर जितनी होंगी वो आपका श्रृंग होगी, नीचे जितना ये होगा आपका गर्त होगा। दो श्रृंगों के बीच की दूरी आपकी होती है तरंग दैर्ध्य, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और दो तरंग दैर्ध्य के बीच की दूरी होती है आपका तरंग दैर्ध्य, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर यहाँ क्या दिया है क्वेश्चन में, एक श्रृंग और एक गर्त, केवल आधे की ही बात की जा रही है, तो इसकी जो बीच की दूरी है आप लोगों का वह लैम्डा बाय टू है। इसकी बीच की दूरी और लैम्डा बाय टू है, जो किसके बराबर है? एल के बराबर है। जो किसके बराबर है? एल के बराबर है। तो लैम्डा बाय टू आपके किसके बराबर है? एल के बराबर है। तो एल बराबर आपका क्या हो, लैम्डा बराबर क्या होगा? तो लैम्डा बराबर तरंग दैर्ध्य बराबर क्या होगा आपका? टू एल होगा। जो तरंग दैर्ध्य कितना होगा? टू एल होगा। तो इस ऑप्शन में आपका जो टू एल कहाँ दिख रहा है, आपका ऑप्शन बी दिख रहा है टू एल, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो तरंग दैर्ध्य के बीच मतलब दूरी यहाँ पे क्या होगा? टू एल होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या पूछा जा रहा है। निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, किस सर्वाधिक लंबी होती है? 100 हर्ज की आवृत्ति वाली तरंग में, 200 हर्ज की आवृत्ति वाली तरंग में, 300 हर्ज की आवृत्ति वाली तरंग में, 400 हर्ज की आवृत्ति वाली तरंग में। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो तरंग की चाल होती है वी बराबर एन लेमडा होता है। अगर हम तरंग की चाल को कांस्टेंट कर देते हैं तो एन प्रोपोर्शनल होगा 1/ लेमडा, मतलब जो तरंग दैर्ध्य होगा वो आवृत्ति की क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगी। इसका मतलब यह है कि एन का मान अगर बढ़ेगा, आवृत्ति का मान बढ़ेगा तो लेमडा का मान घटेगा। अगर आवृत्ति का मान बढ़ेगा तो लेमडा का मान घटेगा। तो यहाँ क्या दिया गया क्वेश्चन में, किस ध्वनि तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, और वही ध्वनि की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होगी जिसकी तरंग की आवृत्ति सबसे कम होगी। जिसकी तरंग की आवृत्ति सबसे कम होगी, तो तरंग आपका 100, 200, 300, 400 में आपका कौन सा सबसे कम है? 100 आपका सबसे कम है, इसलिए इसका ऑप्शन 100 होगा। इसका मतलब यह तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होने होगा और आवृत्ति हमेशा कम होगी, यही इसका फंडा है। आप लोग दिमाग में बैठ जाना चाहिए, आवृत्ति मैक्सिमम तो तरंग दैर्ध्य मिनिमम, और अगर तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम तो आवृत्ति आपकी क्या होगी? मिनिमम होगी। आप लोग के लिए ये देखिए एनआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? किसी माध्यम के घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। लगने वाले समय को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। मतलब आवृत्ति एन बराबर 1/T होगा, मतलब लगने वाले समय को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। तो एन बराबर दोस्तों क्या होगा? 1/T होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, 500 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करने वाली तरंग की आवृत्ति 20 हर्ज है, तो समयांतराल होगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए क्या पूछा जा रहा है, आवृत्ति कितना दिया गया है? आवृत्ति एन बराबर है 20 हर्ज। आवृत्ति एन बराबर क्या दिया गया है? 20 हर्ज। और तरंग की चाल कितना है? 500 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पूछा जा रहा है टी, यहाँ क्या पूछा जा रहा है? टी। तो टी आप लोग तभी निकाल सकते हैं, एन बराबर क्या होगा? आवृत्ति बराबर होती है 1/T। तो यहाँ देखिए तरंग की चाल से कोई मतलब नहीं है, इसी फार्मूले के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो यहाँ एन कितना है? तो टी बराबर क्या होगा? टी बराबर आपका होगा 1/N होगा। तो
तो टी वन और एन का मान कितना दिया गया है, एन का मान आपका 20 हर्ज दिया गया है, तो आप इसको हल करेंगे तो आपका 0.05 होगा, 20 × 100, तो यहाँ ये आपका क्या होगा, सेकेंड होगा, 0.05 सेकेंड होगा, समयांतराल कितना होगा 0.05 सेकेंड, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, 0.05 सेकेंड होगा। तो यहाँ जो तरंग की चाल से हमने कोई मतलब नहीं था, यन के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को हल कर लिए, आपका कितना आंसर आया 0.05 सेकेंड। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है, डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेजने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए में ध्वनि तरंगे, ऑप्शन बी में एक्सरे, ऑप्शन सी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्शन डी में यांत्रिकी। तो जो डॉक्टरों द्वारा और ठोस वस्तुओं को भेजने हेतु आपका हवाई जहाज अड्डों पे किस तरंग का उपयोग किया जाता है, एक्सरे तरंग का उपयोग किया जाता है। एक्सरे जो तरंग होती है यह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों का वह गुण होता है वह प्रकाश के वेग से चलती है, और जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है यह एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंगे होती है, तो यह एक्स किरण एक्स तरंग क्या है, एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, और जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा। मतलब अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या होती है, यह आवृत्ति अधिक होती है तो ऊर्जा उसमें अधिक होता है, और यह किसी वस्तु को भेदने की क्या करती है, इसमें क्षमता होती है। तो जो एक्सरे होता है हम लोग को चिकित्सा के यूज ज्यादा होता है, जो डॉक्टर लोग करते हैं एक्सरे की, एक्सरे आप लोग सुने होंगे कहीं आपका हड्डी टूट गया तो आपका एक्सरे होता है, तो क्यों होता है कि वह भेदने की उसकी क्षमता से आपके हड्डी को देख लिया जाता है कि कहाँ पर टूटा है। और ठोस वस्तुओं को भेदने हो तो हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, एक्सरे तरंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, इंफ्रा रेड किरणें क्या है, ऑप्शन ए में अनुदैर्ध्य तरंगे, ऑप्शन बी में अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन सी में यांत्रिक तरंगे, ऑप्शन डी में विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो अभी हम आप लोग को क्या बताएं, जो तरंगे होती हैं दो प्रकार की होती हैं, पहला यांत्रिक तरंगे, दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंगे। और जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं यह 7-8 प्रकार की होती हैं, कौन कौन किस से होती है आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला होती है गामा, दूसरा होती है एक्स किरण, तीसरा होती है आपकी पराबैंगनी किरण, और चौथा आपकी होती है दृश्य किरण, और पांचवा आपका होता है और रक्त किरण, छठवा आपका होता है सूक्ष्म किरण, सूक्ष्म वेव भी कहते हैं इसे, सूक्ष्म वेव, और आपका लघु रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग। यह आपके क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। जो गामा किरण होती है इसका आवृत्ति मैक्सिमम होता है और इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, और जो दीर्घ रेडियो तरंग होता है इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है और इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो इंफ्रारेड आपका क्या होता है, एक अवरक्त किरण क्या है, एक प्रकार का इंफ्रारेड किरण है, तो यह कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। जो इंफ्रारेड है आपका कौन सा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंगे एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे होती है, और जो यांत्रिक तरंगे होती है, यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो तरंग दैर्ध्य कम होने का मतलब उसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो आप लोग याद कर लीजिए कि जो गामा किरणें होती हैं इसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, मतलब मैक्सिमम होती है, और जब आवृत्ति मैक्सिमम होती है तो उसमें ऊर्जा अधिक होता है, उसमें भेदने की क्षमता अधिक होती है। तो जो गामा किरण है इसकी क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे में गामा किरण की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे कम होती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगर यही बात की जाए रेडियो तरंग की, अगर रेडियो तरंग की क्या होती है, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। अगर इन चार ऑप्शन में देखा जाए रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है, और इसका जो आवृत्त होता है इसका आवृत्त सबसे कम होता है, इसका आवृत्त क्या होता है सबसे कम होता है, और तरंग दैर्ध्य क्या होती है सबसे अधिक होती है, तरंग दैर्ध्य इसका क्या होता है सबसे अधिक होती है। और यही बात की जाए गामा किरण की, इसकी आवृत्ति क्या होती है मैक्सिमम होती है, इसकी आवृत्ति मैक्सिमम होती है, और यहीं पे तरंग दैर्ध्य क्या होता है मिनिमम होता है, मतलब तरंग दैर्ध्य
कम होता है। तो अगर आवृत्ति अधिक होगी तो इसमें ऊर्जा भी अधिक होगा, या आप लोग के दिमाग में बैठ जाना चाहिए, आवृत्ति अधिक तो ऊर्जा भी अधिक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा जा रहा है, दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में हेनरी बेकुरल, ऑप्शन बी में विलियम रॉन्टजन, ऑप्शन सी में न्यूटन और ऑप्शन डी में गुलियेलमो मार्कोनी। जो आइजक न्यूटन साहब हैं, आइजक न्यूटन साहब ने ही दृश्यमान विकिरण की खोज की थी। जो आइजक न्यूटन साहब हैं, इसने कौन से विकिरण की खोज की? दृश्यमान विकिरण की खोज। जो रॉन्टजन साहब हैं, इन्होंने एक्स किरण की खोज की, इसने एक्स किरणों की खोज की। और जो बेकुरल साहब हैं, इन्होंने गामा किरणों की खोज की, गामा किरण की। और जो मार्कोनी साहब हैं, इन्होंने रेडियो तरंग की, दीर्घ रेडियो तरंग की खोज की। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है? ऑप्शन ए में गामा किरण, ऑप्शन बी में पराबैंगनी किरण, ऑप्शन सी में अवरक्त विकिरण, ऑप्शन डी में अल्फा किरण है। तो इसमें जो सबसे सूर्य द्वारा जो उत्सर्जित होती है हानिकारक जो विकिरण होती है, वह आपका पराबैंगनी किरण होती है। कौन सी किरण? पराबैंगनी किरण। और इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। पराबैंगनी किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर यह विद्युत चुंबकीय तरंग होती है तो यह एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग भी है। और पराबैंगनी किरण का हम लोग लाइफ में बहुत इसका हानिकारक है। जैसे अगर पराबैंगनी किरण क्या होती है, अगर सीधे शरीर पर पड़ेंगी तो क्या होगी, वह त्वचा आपको क्या करती है, चर्म त्वचा को खराब कर देती है। और यह इसका यूज हानिकारक भी है। और जो ओजोन लेयर होता है पराबैंगनी से हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। यह देखिए दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आपका एक दिया है गामा किरण। गामा किरण क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग में गामा किरण सबसे, इसकी आवृत्ति क्या होती है, अधिकतम होती है। और तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे कम होती है। चलिए दोस्तों इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, एक तरंग की आवृत्ति कितनी दी गई है? 50 हर्ज और चाल कितना दिया गया है? 36 मीटर पर सेकंड है। तो इस तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, जो तरंग का चाल भी बराबर होता है एन इंटू लेमडा। तरंग का चाल भी बराबर क्या होता है, एन इंटू लेमडा। अगर एन कितना दिया गया है आप इस, तो यहाँ लेमडा बराबर तरंग दैर्ध्य पूछा जा रहा है। लेमडा बराबर होगा वी अपान एन, लेमडा बराबर वी अपान एन होगा। तो इस फार्मूले में हम मान को रखेंगे, वी कितना दिया गया है, वी आपका 36 मीटर पर सेकंड दिया गया है और आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज है। आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज। अब इसको हल करेंगे तो 5 × 36 होगा, 5 × 7 = 35 होगा और 5 × 2 = 10 होगा। तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 0.72 मीटर होगा। जो तरंग दैर्ध्य होगा आपका 0.72 मीटर होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, 0.72 मीटर। यह देखिए दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी नहीं है यह पूछा जा रहा है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन सी हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले ही होती है गामा किरण, दूसरी होती है एक्स किरण, तीसरी होती है पराबैंगनी किरण, चौथी होती है दृश्य किरण, पांचवी होती है आपकी अवरक्त किरण, फिर छठी होती है सूक्ष्म वेव तरंग, फिर दीर्घ लघु रेडियो तरंग, उसके बाद दीर्घ रेडियो तरंग। तो इसमें से कौन सा नाम आप में नहीं आया है? तो जो आपका जो अल्ट्रासाउंड है यह आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। जो अल्ट्रासाउंड है यह आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। इसको हम ध्वनि के चैप्टर में बताएंगे जो अल्ट्रासाउंड क्या है। यह प्राध्वनिक होती है। इसका अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जो विद्युत चिकित्सालय में क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। और जो रेडियो रेडियो तरंगे या रेडियो मतलब रेडियो तरंगे हैं या विद्युत चुंबकीय तरंग है, माइक्रोवेव भी विद्युत चुंबकीय तरंग है और इंफ्रारेड भी आपकी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। देखिए यह आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी कड़ी में हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं।
तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जब तरंग आगे की ओर चलता है तो जो माध्यम के कण होते हैं वह लंबवत गति करते हैं या ऊपर नीचे गति करते हैं, तो वह आपका क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है। वह आपका क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह तरंग आगे की ओर चल रहा है, जो माध्यम के कण क्या है? अप डाउन, ऊपर नीचे गति कर रहे हैं, तो यह कैसी तरंग है? यह आपका अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। सही बात, अगर तरंग आगे की ओर चलते हैं तो माध्यम के कण क्या होते हैं? लंबवत कंपन करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। और यह सब आपका क्या है? गलत है। यह सब क्या है? गलत है। इन तरंग के माध्यम के कणों के तरंग के संचरण की दिशा के समांतर दिशा में कंपन करती है। जब समांतर दिशा की बात आ जाती है तो वहां पे आपका क्या होगा? अनुदैर्ध्य तरंग होगा। वहां पे क्या होगा आपका? अनुदैर्ध्य तरंग होगा। यहाँ आपका क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। और जो ध्वनि है एक प्रकार का आपका अनुदैर्ध्य तरंग है, और जो प्रकाश है एक प्रकार का क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। देखिए दोस्तों, यह आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों का क्वेश्चन आज यहीं पे खत्म होता है। तो आज आपका जो वेव चैप्टर है, जो तरंग चैप्टर है, यह भी आज आपका 3 क्लास में खत्म हो गया। तो इसके बाद हम आप लोग को साउंड चैप्टर पढ़ाएंगे। साउंड जो कि तरंग से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? यह तरंग से संबंधित है। जो लोग अगर तरंग चैप्टर की क्लास लिए हैं तो उन लोगों को ध्वनि भी समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए क्लास में। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए लोग हो तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए हमारे कनेक्ट टू एग्जाम से कनेक्ट होके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए जोश के साथ। जय हिंद।